हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं शाम के टाइम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग क्या स्टार्ट कर रही हूँ, मैं मेथी की सब्जी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को ये शेयर करती हूँ कि मेथी बनाते कैसे हैं। और ये ना मराठी स्टाइल का मेथी है। अपने यहाँ तो यूपी में आलू डाल के बनाते हैं, बट यहाँ पे ना हम लोग मूँगफली का पाउडर और टमाटर मिर्ची ये सबके साथ में बनाते हैं। तो देखिए, मैंने मेथी बनाने के लिए क्या क्या लिया है वो आपको दिखाती हूँ। ये है मूंगफली का पाउडर, जो कच्ची मूंगफली होती है अपनी ना, वो हल्की से रोस्ट करनी रहती है और उसका पाउडर बना दीजिए। और साथ में मैंने कट कर लिया है टमाटर। टमाटर आप अपने हिसाब से डालिए, मेरे पास छोटे छोटे थे तो मैंने चार लिया है, बड़े हैं तो दो में भी काम चल सकता है। मेथी के हिसाब से, मेथी देखिए मेरी ज़्यादा है, कम से कम 1 किलो के आसपास है, इसके लिए मैंने इतना टमाटर लिया है। और मैंने मेथी को साफ करके धो के रख लिया, क्योंकि मेथी साफ करना मतलब एकदम जंग लड़ने वाला काम हो जाता है, तो एक एक पत्ते देख देख के। तो देखिए मैंने एकदम अच्छे से साफ करके धो के रख दिया और साथ में कट कर लिया मिर्ची। और मिर्ची ना बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटी है, तो ये खाने में मिर्ची का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से ना बॉईल होने के बाद हम लोग डालते हैं खड़ा लहसुन। लहसुन का तड़का नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही खड़ा डालते हैं ना, तो वो खाने में एकदम अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि मूँगफली टमाटर मेथी के साथ बॉईल हुआ रहता है ना, तो टेस्ट एकदम उठ के आता है। तो चलिए बनाते हैं मेथी की सब्जी। कढ़ाई रख दी है, अब इसको गैस ऑन कर दूंगी। तो मराठी स्टाइल मेथी बनाने के लिए ना, उसमें राई का तेल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, उसमें अपना सनफ्लावर का जो राइस ब्रांड तेल होता है ना, वो यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल। और ये सब्जी जितनी ईजी बनती है उतनी टेस्टी है और उतनी सेहत के लिए अच्छी होती है। और इसके साथ आज मैं बनाने वाली हूँ ज्वारी की रोटी। मेथी की सब्जी के साथ ज्वारी की रोटी एकदम टेस्टी आती है। देखिए तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी जीरा। और ये एकदम सिंपल तरीके से बनता है, जीरा डालेंगे साथ में, जीरा तड़क गया ना तो उसमें डाल देंगे मिर्ची। और मिर्ची को ज़्यादा ऐसा पकाना नहीं है, एकदम लाल होने तक बस तेल में डाल दिया और थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे टमाटर, डाल देंगे टमाटर। टमाटर गलने तक पकाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी नमक, ताकि जल्दी से गल जाए। देखिए मैं सब्जी के अकॉर्डिंग ही नमक डाल दे रही हूँ, बार बार नहीं डालूंगी। तो देखिए अब ये टमाटर जब तक गलेगा तब तक मैं इसको ढक के रख दूंगी, 2 मिनट में गल जाता है। और इसमें कोई मसाले नहीं जाते, ना धनिया ना जीरा कुछ भी ऐसा पाउडर, कोई भी मसाला नहीं जाएगा, बस इतने से सब्जी बनती है। लेकिन एक बार बनाइए ना तो सब्जी का आपका टेस्ट मालूम पड़ेगा कि सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। देखिए मैं इस पर ढक्कन रख दे रहे हैं और इसका गैस ना मीडियम कर दूंगी। तो अच्छे से टमाटर गलने के बाद इसमें ऐड करूंगी मेथी। तो चलिए देख लेते हैं टमाटर गल चुका है कि नहीं। और देखिए टमाटर एकदम अच्छे से गल चुका है। और मेथी की सब्जी ना ऐसा 2-3 तरीके से बनती है महाराष्ट्र में। मराठी लोगों का अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है रेसिपी, इसके लिए मैं ये बनाती हूँ। ऐड कर दूँगी मैं मेथी। तो देखने में मेथी भी कितनी ज़्यादा है ना, अभी गल के एकदम थोड़ी सी हो जाएगी। चला चला के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे टमाटर के साथ में। देखिए मैंने मेथी टमाटर अच्छे से मिक्स कर दिया ना, अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया ना, अब इसको ढक के रख देंगे। एक्चुअली मेथी की सब्जी ढक के नहीं पकाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर ढकती हूँ क्योंकि थोड़ा गलना चाहिए। तो देखिए मेथी अच्छे से बॉईल होने लगा ना, इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन। और सच में बता रही हूँ ना, ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लहसुन थोड़ा सा पक गया ना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पक गया, तब इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के पाउडर। देखिए सब्जी मेरा अच्छे हो चुका है, इसमें ऐड कर दूंगी सिंगदाने का पाउडर। मैं तुरंत तुरंत बना के पाउडर डालती हूँ, आप चाहे तो बना के रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए तो चलता है 1 महीने।
ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं तुरंत बनाती हूँ, तुरंत डाल देती हूँ। देखिए सब्जी भी मेरी बन चुकी है एकदम अच्छे से। अब इसका गैस कर दूंगी मैं बंद, और खाते समय इसको फिर थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। तो बनाऊँगी सबसे पहले मैं रोटियाँ। आप देख सकते हैं ना सब्जी कितनी अच्छी बनी है। और मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, आप लोग सब्जी ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि ठंड में ये रेसिपी ना एकदम अच्छी सेहत के लिए, लेडीज़ को कमर का बहुत प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छी है। चलिए अभी गैस को बंद कर देते हैं। देखिए साथ के साथ ना मैं आटा भी रेडी कर रही हूँ, तो ये आटा सानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी मैं आटा करके रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। जब तक सब्जी बनेगी तब तक आटा मेरा रेडी रहेगा। गैस चालू है और इस पर मैं रख रही हूँ तवा। अब चलते हैं बनाते हैं रोटी। देखिए रोटी बेलने का प्रोसीजर मैंने चालू कर दिया है, थोड़ा सा इसको संभाल के बेलना पड़ता है, बट बनती अच्छी है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा संभाल संभाल के बेलिए ना, तो ये जो साइड में ऐसे है वो थोड़ा तो होंगे, क्योंकि इसमें ग्लूटेन का मात्रा कम रहता है, इसके लिए मैंने रोटी बेल ली है। तो महाराष्ट्र में ना बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन मुझे उतनी बनानी नहीं आती मैं। और ऊपर से लगा दीजिए थोड़ा सा पानी। देखिए रोटी एक साइड से हो चुकी है, इसको हम पलट देंगे। दोनों साइड से हो चुकी है, तब इसको हम गैस पे सेक लेंगे। ज्यादा नहीं, ऐसा टर्न कर करके सेकिए, जैसे अपना गेहूं का रोटी सेकते हैं वैसे ही सेकती। हाँ गेहूं से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सेकने के लिए, क्योंकि ज्वारी का आटा है तो पकना भी तो चाहिए, इसके लिए थोड़ा टाइम और लेता है। पीस को रख रही हूँ, क्योंकि नीचे से ना वो कैसा रहता है, स्टीम लग के गीली हो जाती है, तो गीली हो जाएगी तो टेस्ट खराब हो जाता है, इसके लिए मैं इधर से जाली पे ही रखती हूँ।